लालू जी को कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद वो जेल जाएंगे। जेलर को डायरेक्शन दिया गया कि जो कि हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, रिम्स के डॉक्टर उनको अपने अंडरटेकिंग में रखेंगे, इसीलिए तो उसके बाद उनको रिम्स भेजने का उनको डायरेक्शन दिया गया है। अब उसके बाद जेलर के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो भी हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का कॉपी भी उनके साथ लगा के भेजा जा रहा है कि जो भी आदेश होगा उसका पालन करते हुए उनको रिम्स जेल में उनका मेडिकल जांच होगा। अब ये तो जेलर के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का जो डायरेक्शन है वही हम आपको बता सकते। कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिम्स में दिया जाए तो उनको रिम्स भेजा जाए। अभी वही डायरेक्शन कोर्ट ने दिया कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिम्स का डॉक्टर देंगे तो उनको जेल के बाद रिम्स भेजा जाए। पहले जेल जाएंगे, उसके बाद रिम्स जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के वकील को आप सुन रहे थे। तो जेल भेजने की औपचारिकता, क्योंकि सरेंडर लालू प्रसाद यादव ने रांची की विशेष सीबीआई अदालत में किया है और इसके बाद सीधे जो बिरसा मुंडा जेल है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। जेल अथॉरिटीज को निर्देश दिए जाएंगे जिसके बाद रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज चलेगा। तो सिर्फ एक औपचारिकता है कि जेल जाएंगे, लेकिन रहेंगे वो अस्पताल में, रिम्स में, जहां पर उनका इलाज होगा। एक बार सीधा रुख करेंगे हम एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार का, सीबीआई विशेष अदालत परिसर में रांची में ही मौजूद है। प्रकाश, क्या इसे लालू प्रसाद यादव के लिए एक छोटी राहत माना जाए, क्योंकि जेल नहीं जा रहे हैं वो, सिर्फ औपचारिकता भर के लिए जेल जाएंगे और उसके बाद इलाज के लिए रहेंगे रिम्स में? बिल्कुल, ये दो बातें और अभी कोर्ट से जो बाहर आई हैं उसमें ये है कि लालू यादव को यहाँ की विशेष अदालत से अभी तीन कोर्ट से उन्हें कन्विक्शन हुआ था, उन्हें सजा दी गई थी, तो जाहिर है कि तीनों कोर्ट में उनको सरेंडर करना था। तो एक कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद दो और जो मामले में उन्हें सजा मिली थी उस मामले के भी पेपर्स जो हैं वो इसी अदालत में आ गए और फिर इन सब पर सुनवाई हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि वो फिलहाल कोटवार जेल जाएंगे और फिर वहाँ से रिम्स जाएंगे जहाँ डॉक्टर उमेश की देख रेख में वो रहेंगे लालू यादव। और ये कहा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर वो जेल में जरूर रहेंगे लेकिन जेल के अस्पताल में भी नहीं रहेंगे बल्कि बाहर में, जेल से बाहर जो रांची में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, रिम्स जिसे जाना जाता है, उसमें वो अपना इलाज कराएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू यादव के लिए हेल्थ ग्राउंड पर जो उन्हें राहत मिली है वो काफ़ी बड़ी राहत होगी एक तरह से, क्योंकि जेल के अंदर रहना और फिर जेल में बाकी कैदियों के साथ रहना तमाम मुश्किलें होती हैं उस लिहाज से देखा जाए तो। अगर कोई प्रकाश, एक स्पष्टीकरण आपसे मैं चाहूंगी, क्या तीन केसेस में सरेंडर किया है लालू प्रसाद यादव ने आज, तीन केसेस में? जी हाँ बिल्कुल, तकनीकी तौर पर उन्हें क्योंकि सजा सीबीआई की विशेष अदालत से तीन कोर्ट में उन्होंने सजा सुनाई थी तो हर कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन जो दो कोर्ट में जो पेपर्स थे उसको ये इसी कोर्ट में लाया गया और तीनों में उन्होंने माना गया कि तीनों में उन्होंने सरेंडर कर दिया है एक ही कोर्ट में और उसके बाद जाकर ये सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया उसमें यही कहा गया कि उन्हें जेल जाने के लिए कहा गया और फिर जेल से रिम्स जाने के लिए कहा गया है कि वहां पर वो अस्पताल में इलाज कराएंगे। तो मैं वही नया बता रहा हूं, बताइए कि कब तक रिम्स में अपना इलाज करा सकते हैं लालू प्रसाद यादव, कुछ इस बारे में जानकारी? नहीं, अभी फिलहाल इस बारे में अब तक कोई जानकारी या अब तक कोई आदेश में इस तरह की बात नहीं लिखी गई है क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर ही उनको बाहर रखा गया है। तो जाहिर है कि इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें लालू यादव के वकील फिर से कोर्ट में जाएंगे और क्योंकि बेल की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, ये जो बेल लालू यादव को मिली थी जमानत वो प्रोविजनल बेल था, मतलब औपबंधिक जिसे कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी लेकिन रेगुलर बेल नहीं मिला था। तो रेगुलर बेल करने की भी प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है वो उनके वकील कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मेडिकल आधार बहुत बड़ा आधार बना जिस आधार पर उन्हें इतनी बड़ी कम से कम ये राहत मिली है कि वो जेल के अंदर नहीं रहेंगे जहां कि काफ़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है लोगों को, और अब वो रिम्स में रहेंगे। अब इंतजार कर रहे हैं लालू यादव के आने का कि अदालत की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो फिर बाहर निकलेंगे और जेल के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल प्रकाश, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि ये बड़ी राहत लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि जेल में जेल के नियमों के हिसाब से बाकी कैदियों के साथ वक्त
बिताना बनस्पत अपना इलाज अस्पताल में कराना, तो जाहिर सी बात है अस्पताल में उनका जाना उन्हें ज्यादा राहत देगा, लेकिन बिरसा मुंडा जेल में वो वक्त बिता चुके हैं। कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को प्रकाश दे पाएंगे कि किस तरह के नियम कायदे कानून होते हैं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर चलती है जिससे होकर लालू प्रसाद यादव को गुजरना पड़ा जब वो बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। नेहा, आपके दर्शकों को मैं पहले ये बता दूं कि ये कौन सा मामला था और किस मामले में लालू यादव को इस अदालत में पेश होना पड़ा और क्यों होना पड़ा। ये चारा घोटाले का मामला है और चारा घोटाले के तीन मामलों में फिलहाल लालू यादव जेल में है। एक पहले 2013 में ऑलरेडी वो जेल जा चुके थे जिसमें उनको जमानत भी मिली थी और जमानत मिली हुई है। तो ये तीन मामले रांची के सीबीआई की विशेष अदालत में उन्हें अलग अलग जुर्म के लिए अलग अलग तरीके से सजा मिली है, किसी में 5 साल किसी में 3 साल। तो जाहिर है कि इन मामलों में वो सजा काट रहे थे, फिलहाल रांची जेल में थे, लेकिन इसी बीच लालू यादव की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। उन्हें किडनी में परेशानी हुई, फिस्टूला का ऑपरेशन कराना पड़ा और काफ़ी सारी और भी डायबिटीज़ की दिक्कतें, हाइपरटेंशन। तो ये करीब 16 ग्राउंड्स लिए गए थे लालू यादव की वकील से जिस आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें प्रोविजनल बेल पहली बार दिया था, लेकिन वो एक्सटेंड होता रहा। लालू यादव के वकील बार बार कहते रहे कि उन्हें अभी भी परेशानी है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में कई जो बाहरी लोग थे, कई लोगों ने सवाल उठाए, सीबीआई ने भी सवाल उठाए कि लालू यादव अस्पताल में न रह करके बल्कि वो घर में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं। तो हाईकोर्ट इस पर काफ़ी सख्त था और कहा कि उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है न कि घर में रहने के लिए, और कई सारे ऐसे बातें जो हैं, कई सारी बातें ऐसे निकलती रही। उसके बाद जाकर के ये हुआ कि मुंबई में वो फिर से दोबारा भर्ती हुए और वहाँ पर इलाज करा रहे थे, लेकिन इसी बीच में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो उन्हें प्रोविजनल बेल मिला था उसे उन्होंने रद्द कर दिया और 30 तारीख को सरेंडर करने को कहा। तो अब वो तकनीकी तौर पर आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन्हें जेल भी हो गई है, लेकिन जेल के बजाय वो अब रिम्स में रहेंगे, रांची में रहेंगे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि इस पूरे पहलू में कि लालू यादव कहने को तकनीकी तौर पर भले जेल में है, कस्टडी में है, लेकिन उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया होंगी जो एक बीमार कैदी को मिलनी चाहिए जेल से बाहर अगर वो रहते हैं, तो जो भी ग्राउंड उनको लिया गया। प्रकाश, तो एक चीज और बताइए, अस्पताल में इलाज कराएंगे लेकिन क्या वो जो समय है उनका, जो उनको दोष में सजा मिली है, उसी में उसको काउंट किया जाएगा? बिल्कुल, वो भी इसी में ही काउंट होगा, वो अवधि जिस अवधि के लिए उन्होंने अलग अलग मामले में उन्हें सजा मिली है और वो सजा काट रहे थे। तो ये क्योंकि उनकी जमानत रद्द हो चुकी है और वो कस्टडी में है, जेल में है, भले ही वो जेल के अंदर ना हो लेकिन बाहर इलाज करा रहे हैं, तो ये भी उसी में ही काउंट होगा। जी, तो लालू प्रसाद यादव बाहर जैसे ही निकलेंगे हम वहां का फिर से रुख करेंगे। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो मामले प्रकाश बता रहे थे, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से मामले हैं चारा घोटाले से संबंधित जिनमें लालू प्रसाद यादव पर केस चला। देखिए, पहला मामला चायबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख की अवैध निकासी का, इसमें सजा हुई 5 साल की। दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84,53,000 रुपए की अवैध निकासी का, सजा 3.5 साल और 5 लाख का जुर्माना लालू प्रसाद यादव पर। तीसरा मामला चायबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख की अवैध निकासी का, सजा इसमें हुई 5 साल की लालू प्रसाद यादव को। 3 केसेस में सरेंडर किया आज लालू प्रसाद यादव ने। चौथा मामला दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख की निकासी का आरोप, 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगा लालू प्रसाद यादव को। आज 3 मामलों में उन्होंने सरेंडर किया और अदालत का फैसला ये कि जेल में जाने की औपचारिकता के बाद हाईकोर्ट के निर्देश के हिसाब से रिम्स में ही इलाज चलेगा लालू प्रसाद यादव का। अरविंद मोहन जी, ये बड़ी राहत मानी जाए लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि अब जेल नहीं जाना होगा उन्हें, सिर्फ एक टेक्निकलिटी होगी जिसके बाद इलाज उनका रिम्स में होगा। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी राहत नहीं है। अब ये जरूर है कि जेल की स्थिति ठीक नहीं होगी, उससे बेहतर अस्पताल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत फ़र्क नहीं है। और अगर वो स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर उनको स्वस्थ डिक्लेयर कर देंगे, तो फिर उनको वापस जेल जाना होगा। अब ये कोई अस्पताल उनका परमानेंट घर नहीं होने वाला, जेल अभी उनका परमानेंट घर है अगर अदालत के फैसले को माने तो।
तो ये कोई बड़ी राहत नहीं है। ये बीच में जरूर बेटे की शादी के नाम पे, बीमारी के नाम पर निकलते निकलते घर में रहने लगे और फंसर के रहने लगे लगभग उस किस्म से जैसे वो आज़ाद हों, तो ये एक उल्लंघन वो कर रहे थे सजा का, और उस पर अदालत ने उनकी जमानत रद्द की, अंतरिम जमानत, और कोर्ट को जेल में सरेंडर करने को कहा। तो आज वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि उनको रिम्स में रहने से और जेल में रहने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो असल में प्रकाश बता रहे थे कि अगर आप इलाज अपना करा रहे हैं तो एक बीमार के तौर पर जितनी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। वो ठीक है, जेल में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन वो उस तुलना में अदालत में अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन विजिटर्स पे रोक होती है, पॉलिटिकल बातचीत जिस किस्म से वो कर रहे थे अभी घर में, सारे लोगों पक्ष विपक्ष को बैठा के बयानबाजी जिस किस्म की वो कर रहे थे, और इस मामले में ही जैसा मैंने पहले कहा कि वो ज़्यादा कुशल राजनेता हैं कि एक क्रिमिनल केस को और क्रिमिनल सजा को, जिसमें खाली केस नहीं है, अब उनको फैसला हो गया उनके खिलाफ, उसको भी वो पॉलिटिकल रंग रूप देने में कामयाब रहे हैं, और अगले चुनाव तक कम से कम जब तक उसका नतीजा नहीं आता तब तक उनको भरोसा है, या मेरे जैसे भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग हैं, कि इन अदालती मामलों से उनकी प्रतिष्ठा में कोई खास कमी नहीं आ रही है। और बिहार में जो विपक्ष है वो महागठबंधन के नाम से हो चाहे जिस नाम से हो, उसकी दूरी लालू प्रसाद यादव ही हैं अभी आज की तारीख। आप कह रहे हैं कि अस्पताल में रहकर के भी जब दोष साबित हुआ, बावजूद उसके जो महागठबंधन बनाने की उनकी कोशिश है उस पर पूरा पूरा प्रभाव रख रहे हैं लालू प्रसाद। अभी पूरा उन्हीं के नियंत्रण में है, उन्हीं के डायरेक्शन में चल रहा है, और वही पॉलिटिकल जो पूरे शासन विरोधी पॉलिटिक्स है उसके धुरी लालू प्रसाद यादव ही बने हुए हैं जो अपने बेटों के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन एक बात और अरविंद जी, जो बात हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार भी कह रहे थे कि यहाँ पर एक फौरी राहत आप कह सकते हैं कि अस्पताल में जाकर के इलाज करवा सकेंगे, ये उनको एक राहत मिली, जेल में नहीं रहना होगा, लेकिन कल उनके परिवार को लेकर के भी पटियाला हाउस कोर्ट से अहम सुनवाई है, उसमें क्या होता है? रेलवे टेंडर का मामला जिसमें तेजस्वी यादव जो कि राजनीतिक उत्तराधिकारी बन चुके हैं अब लालू प्रसाद यादव के, राबड़ी देवी इनके खिलाफ चार्जशीट है, तो अगर वो मामला कोई और रंग ले लेता है क्या मुसीबतें बढ़ेंगी लालू और उनके परिवार की? निश्चित रूप से बढ़ेंगी, और ये एक मूव है उस डायरेक्शन में तो। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लालू परिवार ये मान रहा है कि जितने भी मुकदमे आ रहे हैं वो उनके अपराध के चलते नहीं आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स के चलते आ रहे हैं, और अपराध को पॉलिटिक्स में बदलने का खेल एक अभी जारी है, और इसमें दूसरा पक्ष जो सरकार का पक्ष है वो सिर्फ कानून के पालन कर रहा है या पॉलिटिक्स कर रहा है, उस पर भी कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन असली चीज़ ये है कि अभी तक उनको उनका मानना है कि ये पॉलिटिक्स है, और कल अगर कोई फैसला उल्टा आता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब तेजस्वी एक तरह से एक्टिव हैं, जो इस महागठबंधन का लीडरशिप है वो उनके हाथ में है और एक्टिव होकर वही काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ भी कुछ फैसला आता है तो असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि लालू यादव जब पहली बार एक मिनट रोकना चाहूंगी, हलचल जरा तेज हो गई है, उनको रिम्स भेजा जाएगा, रिम्स में वहाँ के डॉक्टर देखेंगे उनको, देखने के बाद क्या कंडीशन है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनसे कंसल्ट करके क्या कंडीशन है और जो वो निर्णय लेंगे उसी हिसाब से। आपको कुछ 4 बजे तक कुछ कहा गया है कि कुछ फाइल कीजिए यहाँ पे? नहीं नहीं सर, क्या सर तो आप देख रहे हैं किस तरह की गहमा गहमी अभी दिखाई दे रही है रांची की सीबीआई विशेष अदालत में, जो निर्णय लेंगे उसी के बाद कार्रवाई। सर पटियाला हाउस में किस मामले में कल पेशी हुई? ईडी वाले मामले में कल पेशी होनी थी। कल दिल्ली भी जाएंगे क्या लालू जी? दिल्ली कहां से जाएंगे, पटियाला कस्टडी में है तो जाएंगे। बोले पटियाला, तो देखिए रांची के रिम्स अस्पताल में मेडिकल टेस्ट होगा लालू प्रसाद यादव का। जाहिर सी बात है कि बीमारी का हवाला देकर के ये कहा गया है लगातार उनके वकील की तरफ से कि उनका इलाज हो, तो जेल भेजने की औपचारिकता तो होगी, लेकिन उसके बाद वहां से सीधे उनको रिम्स ले जाया जाएगा जहां पर कुछ मेडिकल टेस्ट लालू प्रसाद यादव के होंगे। लगातार मेरे साथ खास मेहमान अरविंद मोहन जी बने हुए हैं, और रांची से भी जहां पर हलचल इस वक्त सबसे ज्यादा है हमारे साथ प्रकाश कुमार भी मौजूद रहेंगे। देखिए लालू जेल जाएंगे पहले और फिर जेल से अस्पताल। दिल्ली कोर्ट में कल तेजस्वी की पेशी होगी। मामला रांची और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी होटलों के ठेके वाले का है जिसमें ईडी ने चार्जशीट दायर की है, और दिल्ली कोर्ट में पेशी बिहार की पूर्व
मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की होने वाली है, यानी कि लालू परिवार की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण और अगले 24 घंटे लालू परिवार पर भारी है। अरविंद मोहन जी, यही सवाल है, कल के केस में अगर कुछ ऐसा हो जाता, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जेल से रहकर भी अगर आप एक आपराधिक मामले को जिसमें आपका दोष साबित हो गया है उसकी पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा कि 2019 से पहले कहीं ऐसा ना हो कि ये केस ऐसे टर्न ले कि जेल के भीतर जाना पड़ जाए, क्या ये संभावना है? टर्न ले वो ठीक है, असली खतरा ये है कि ये टर्न फिर पॉलिटिकल फायदा ना देने लगे। इस किस्म के जो अपराध करने वाले लोग हैं और ये इतने चालाक उस मामले में हैं कि इसको उन्होंने बार बार, एक मामले में हमने नहीं देखा है, मैंने इवन चौटाला वाला केस हमने हरियाणा में देखा है कि चौटाला जेल गया और उनकी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। वो थोड़ी होशियारी से अगर अलायंस कर लिए होते तो फिर शासन में वापस आ जाते, तो वो एक मसला है। तो जो मैं कहूँगा कि उनकी चालाकी अपनी जगह है, लेकिन जो मामले चला रहा है उसको भी ये सावधानी रखनी होगी कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कोई ना ले ले। हाँ। इसको क्रिमिनल केस ही रहने दिया जाए, इसको उसी तरह से चलाया जाए कि बड़ा अपराध हुआ है जिसको पकड़ा गया। शासन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपराध से ज्यादा एक राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश दिखाई दे और उसका पॉलिटिकल फायदा उनको मिले। अरविंद मोहन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, चारा घोटाले में लालू यादव ने रांची की विशेष सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया है। पहले जेल जाकर उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा जहां होगा उनका इलाज। अभी आखिरी आदेश का इंतजार है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये कि जेल जाएंगे और उसके बाद जेल से ही रिम्स अस्पताल इलाज के लिए जाएंगे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव को हिरासत में लिया गया है, यहां से उन्हें बिरसा मुंडा जेल ले जाया जाएगा जिसके बाद इलाज के लिए रिम्स अस्पताल जाएंगे और वहीं उनके मेडिकल टेस्ट भी होंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।